और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां 17 साल की नाबालिग से उसी के मौसा ने रेप किया और फिर गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी इतना घबरा गया कि उसने ब्लेड से खुद पर कई वार किए। ज्यादा खून बहने से वो बेहोशी की हालत में वहीं गिर पड़ा। MY अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में एडिशनल DCP प्रशांत चौबे के मुताबिक 17 वर्षीय लड़की का शव उसी के कमरे में पड़ा मिला और घर के कमरों और चौगान में खून बिखरा पड़ा था। लड़की का मौसा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके गले और हाथ की नसें ब्लेड से कटी हुई थी। लोगों ने पहले एम्बुलेंस बुलाकर मौसा को उपचार के लिए MY अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची। वहीं एफएसएल पूरी घटना रेप और उसके बाद खुद पर हमला कर सुसाइड की कोशिश की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बताया जाता है कि नाबालिग का मौसा सब्जी बेचने का काम करता है। लड़की के पिता ड्राइवर हैं, मां घरों में बर्तन साफ करने का काम करती है। लड़की की मौसी मजदूरी करती है। नाबालिग की दो बहनें हैं जो घटना के वक्त मां के साथ काम पर गई थी। वहीं 8 साल का छोटा भाई घर के बाहर खेल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ के बाद और बातों का खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। जैसे सिम्टम्स पाए गए हैं बॉडी के ऊपर बच्ची की, कि उसके साथ शायद सेक्सुअल असल्ट हुआ होगा, कंफर्मेशन पोस्टमार्टम डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद होगा। और संभावना, चूंकि दरवाज़ा इंटैक्ट बंद था अंदर से, इसलिए पूरी संभावना यह है कि जो प्रताप है उसने कुछ सेक्सुअल असल्ट करने के बाद, हो सकता है कि उसने अपने आप को भी इंजर्ड किया हो। जिस प्रकार की वहाँ पर रेजर मिली है और हैवीली ब्लीड हुआ है उसके गले से। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।